हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। शिबू के किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपको कुछ बताने जाने वाले हैं जिसे आफ्टरनून स्नैक्स कह सकते हैं, जिसका नाम है दाल वड़ा। तो इस चीज़ के लिए क्या क्या रेमेडीज लगेगी आज हम आपको बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 3 कप चना दाल, उसके बाद हम लेते हैं मीठा सोडा और हींग, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच चावल का आटा, लहसुन का पेस्ट, थोड़े से कड़ी पत्ते, चिल्ली फ्लेक्स, हरी मिर्च, हरा धनिया, आधा चम्मच हल्दी, 1 कटा हुआ प्याज। हमने जो चना दाल ली थी उसको हमने 5 घंटे भिगोते रखा था, वो अब रेडी हो चुकी है। अब हम इसको दरदरा पीसेंगे। और ध्यान रखें, पानी जरा भी नहीं डालना है, उसको जैसा है वैसे ही पीसना है, सूखा सूखा। तो देख रहे हो गाइस, हमने दाल जो थी उसको दरदरा पीस लिया है। हम आपको बताते हैं कि दरदरा कैसा है। देखो, बिल्कुल इसी तरह पीसना है, ठीक है। अब हमने इसको मिक्स करना है सब में। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हम। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जितनी अच्छी तरीके से मिक्स होगा उतना ही बेहतरीन टेस्ट आएगा इसमें। और मिक्स करते हुए आपने बीच बीच में टेस्ट करना है कि नमक का टेस्ट जो है वो बराबर है या नहीं। तो देख रहे हो गाइस, हमने अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया है और ये हमारा जो मिश्रण है अब पूरा रेडी है। अब हम हाथों में हल्का हल्का तेल लगा के उसकी टिकिया बनाएंगे हम। तो देख रहे हो गाइस, हमने टिकियां पूरी रेडी कर ली है। अब हम इसको ऑयल में डालने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह। थोड़े से नीचे से पक गए, अब हम इसको टर्न करेंगे। माशाल्लाह, बेहतरीन खुशबू आ रहा है। बाहर से तो अक्सर हम खाया करते हैं, लेकिन जो घर की बनी हुई चीज है, जो साफ सफाई से बनती है और जो टेस्टी बनती है ना, उसका खाने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन घर में बनाई हुई चीज बेहतर होती है बाहर के मुकाबले। तो देखिए गाइस, हमारे जो आफ्टरनून स्नैक्स है जिसे हमने दाल वड़ा कहा था, वो अब पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन कलर आ गया यहाँ पर।
देख रहे हो ना गाइस, कोई ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी स्नैक्स है आफ्टरनून के लिए। देख रहे हो गाइस, हमारे जो दाल वड़ा थे वो पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह कितने बेहतरीन लग रहे हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिश जो है, जो दाल वड़ा जो कैसी लगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। खुदा हाफिज़।